गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रेणु तंबोली फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. सो किड्स, एज यू नो दैट इन आवर लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन अगेन. ठीक है, एज अ रिविजन. ये चैप्टर हम रिविजन के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं. पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करेंगे, उसके बाद में कुछ एक दो एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेंटेंस डेफिनेशन. यू जस्ट सी इट एंड ट्राई टू लर्न दिस डेफिनेशन अगेन. टेंस, लुक एट द वर्ड्स, रीड देम स्लोली. ग्रास ईट्स अ काउ. ओके, सो किड्स लुक दिस वर्ड्स, इस वर्ड्स को देखो. लुक एट दिस वर्ड्स एंड रीड देम स्लोली, इन्हें धीरे धीरे रीड करो. क्या है पहला वर्ड? ग्रास, GRASS, ग्रास. ईट्स अ काउ. ठीक है, ये क्या है? सिर्फ वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना. अब इन्हीं वर्ड्स को आप एक डिफरेंट वे में फिर से पढ़ के देखना. देखो आगे. Do you understand these words? No, they do not make any sense. Read the same words now. A cow eats grass. So, now you just try to read these words again. धीरे धीरे से इनको read करो. A cow eats grass. Do you understand what's the meaning of these words? समझे आप? क्या समझे? कि गाय है, काउ है, वो क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है. तब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको सेंस पता चल गया कि ये क्या लिखा है. और ऊपर वाले ग्रास ईट्स अ काउ से कुछ समझ में आया? नहीं आया ना. सो अब आगे देखो, आगे क्या होता है. अ काउ ईट्स ग्रास. इट्स अ कम. द वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. दे फॉर्म what is called a. Okay, so these words make complete sense. That means a cow eats grass. ये जो line है, ये जो sentence है, ये अपने को क्या represent कर रहा है? एक complete sense represent कर रहा है. That means they form what is called a sentence. मतलब ये जो sentence का example है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है. तो इसी को ही क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. Sentence. Read, learn, and say. A sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, now here is a definition of sentence. You just read it, learn it, and try to say it. मतलब आपको इसे पढ़ना है, learn करना है और इसे बोलने की कोशिश करनी है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ. Okay, now a sentence is a group of words that makes complete sense. That means जो sentence होता है, वाक्य होता है, वो शब्दों का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, समूह होता है. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें एक संपूर्ण अर्थ प्रेजेंट करता है. समझ में आया? हेंस यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स व्हेन यू राइट अ सेंटेंस. द वर्ड्स. ओके, सो किड्स आपको पता है यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स व्हेन एवर यू राइट अ सेंटेंस. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, तीन चीजों को हमेशा याद रखना है. याद आया कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था? पहला, कि जब भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो तो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, पहला. ठीक है, और सेकेंड थिंग इज दैट क्या थी? सेकेंड था कि आप जो सेंटेंस लिखते हो उनके जो प्रॉपर जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. और थर्ड था कि सेंटेंस फुल स्टॉप, एंड सेंटेंस जब खत्म होता है तो उसके एंड में फुल स्टॉप आपको लगाना है. ये जो तीन थिंग्स है आइडेंटिफाई करता है कि ये कंप्लीट सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटेंस है. मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. The sentence must begin with a capital letter. A full stop must be placed at the end of the sentence.
Look at some more examples. ओके नाउ अब आपको समझ में आया व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड व्हिच थिंग्स वी मस्ट रिमेम्बर व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई सेंटेंस. ओके नाउ इट्स टाइम ओवर एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज करते हैं, है ना. एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज नंबर टू. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्या है, एक तरफ तो जंबल सेंटेंस दे रखा है और जैसे मतलब कि उल्टे पुल्टे वर्ड्स दे रखे हैं और उनको आपको राइट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो आप इन्हें पहले देखो, समझो इस वीडियो के थ्रू. उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी बुक एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे और वहां पे मैं आपको टाइप करके बताऊंगी. देखो पहला क्या है एग्जाम्पल. Examples of a sentence. A fruit, an apple is. This is not correct. The correct order is an apple is a fruit. So, as kids, you can see on the screen your left hand side, क्या लिखा है? First point, a, comma, fruit, comma, an, comma, apple, comma, is. मतलब ये सारे क्या है, जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, मतलब उल्टे पुल्टे वर्ड्स दे रखे हैं. दे डू नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, इनसे कोई अच्छा ही सेंस नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है. तो हमें इनको राइट सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा एन एप्पल इज फ्रूट. पहले नंबर आएगा एन एप्पल इज फ्रूट. फर्स्ट जो ए है तो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, समझे मेरी बात. जो ए है ना, ये देख सकते हो आप, ए जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. नंबर वन थिंग हो गई. दूसरी थिंग कौन सी याद रखनी थी, सेंटेंस के जो भी वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर में आपने लिया है एन एप्पल इज अ फ्रूट, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है. और एंड में क्या दिख रहा है, फुल स्टॉप. समझ गए. Milk gives us the cow. The cow gives us milk. Of wood made is a chair. A chair is made of wood. Eight is she years old. She is 8 years old. Wings fly, birds with their. Birds fly with their wings. So, as you can see, question number टू, इट्स अ क्वेश्चन इज एक्सरसाइज टू. ये सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है. फर्स्ट हमने अभी वीडियो के थ्रू देखा था, ये सारा अभी आपने क्या किया था, वीडियो के थ्रू समझा. अब इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइप करके. फर्स्ट देखो क्या है, मिल्क गिव्स अस द काउ. ये वर्ड्स दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स दे रखे हैं उल्टे पुल्टे. अब इसको राइट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट लिखो टी एच ई द इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है. काउ C-O-W, cow, gives, G-I-V-E-S, gives us milk. गाय हमें क्या देती है, दूध देती है. फुल स्टॉप. डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑन द फुल स्टॉप बेटा, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग इन योर माइंड, आपको फुल स्टॉप लगाना है. नंबर थ्री आ जाएगा, देखो अ वुड मेड इज अ चेयर. अब राइट सेंटेंस में कन्वर्ट करो, अ चेयर is made of wood. जो चेयर होती है वो वुड से बनती है और फुल स्टॉप, ठीक है. जो चेयर होती है वो किससे बनी होती है, वुड से, लकड़ी से. Eight is she years old. सेंटेंस में कैसे बनेगा, she कैपिटल फॉर्म में लिखा as she is 8 years old. वहां कितने साल की है, 8 साल की है, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा दिया. लास्ट देखो, विंग्स फ्लाई बर्ड्स विद देयर. बर्ड्स बी कैपिटल, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स. विंग्स
फुल स्टॉप, मतलब जो पक्षी होते हैं वो किसके थ्रू उड़ते हैं, अपने पंखों से, पंखों के साथ उड़ते हैं। सो किड्स, टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ दिस लेसन। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 1 एंड द एक्सरसाइज नंबर 3। सो टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।